अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और आप लोग गेमिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग कोई वीडियो ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इजस रेक एक्सपर्ट्स की मदद से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसकी मदद से इंटायर स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, वेबकैम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा आप सिस्टम का साउंड और माइक्रोफोन की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसा कि आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन में। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि आप ऑडियो और सिस्टम के माइक्रोफोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम को रिकॉर्ड सकते हैं, किसी भी गिफ्ट को कैप्चर कर सकते हैं और अपने रिकॉर्डिंग को शेड्यूल भी कर सकते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हैं और उसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। फ्री ट्रायल के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले ऊपर आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं एक छोटी सी बार आपको शो होगी, जिसमें आपको ये बताएगा कि इसकी कितनी रेजोल्यूशन सिलेक्ट है। जैसा कि ये फिलहाल 1080p पर सिलेक्ट है और इसके साथ कुछ शॉर्टकट कीज आपको बता रहा है, जैसा कि F9 से आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, F10 की मदद से पॉज कर सकते हैं और F11 की मदद से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसकी मदद से आप फुल स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी फुल स्क्रीन कैप्चर होगी, या फिर आप अपने स्क्रीन के किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कोई लाइव वीडियो को कैप्चर करना चाहते हैं, उससे आप जिस भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल फुल स्क्रीन पर ही रहने देता हूँ। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो का। अगर आप लोग अपने सिस्टम की ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसको आप ना सिर्फ म्यूट कर सकते हैं बल्कि आप इसकी वॉइस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि कितनी वॉइस इसकी कैप्चर हो। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है वेबकैम का। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर का वेबकैम भी ऑन कर सकते हैं और आप लोग अपने वेबकैम को भी इसकी मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग का बटन मौजूद है, इसमें आप इसकी तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसा कि जनरल में आपको सबसे पहले स्टोरेज पाथ मिल जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव हो। आप इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पर मौजूद है, आप किस फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे कि MP4, MOV, FLV, MKV, AVI या फिर GIF वगैरह में। इसके बाद क्वालिटी का ऑप्शन है, आप इसको स्टैंडर्ड हाई और ओरिजिनल हाई पिक्चर क्वालिटी में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास फ्रेम रेट का ऑप्शन भी मौजूद है, आप इसको 60 फ्रेम पर सेकेंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद GPU हार्डवेयर एक्सेलरेशन का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद ऑडियो का सेक्शन मौजूद है, इसमें भी आप ऑडियो की आउटपुट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। MP3 और दूसरे फॉर्मेट यहां पर मौजूद हैं। बिट रेट को चेंज कर सकते हैं, सैम्पलिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में देखें तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास माउस का। अगर आप चाहते हैं कि माउस का कर्सर रिकॉर्ड हो तो इसको भी आप ऑन कर दें, या फिर आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग से पहले आप चाहते हैं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स, तो यहां से आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आप प्रॉम्प्ट ट्यून को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग रीजन को मूव भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान, उसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके नीचे हमारे पास हॉट कीज मौजूद हैं, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं F9 की मदद से, F10 की मदद से आप उसको पॉज या फिर रिज्यूम कर सकते हैं और F11 की मदद से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इन हॉट कीज को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टोमाइज भी कर सकते हैं। और इसके नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसा कि हाइड फ्लोटिंग टूल बार, लॉन्च एट स्टार्टअप और क्लोज मेन पैनल का ऑप्शन मौजूद है। इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के नीचे हमारे पास रिकॉर्डिंग का फोल्डर मौजूद है। जब आप कोई भी रिकॉर्डिंग इसमें कर लेंगे तो यहाँ से आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऑटो स्प्लिट का।
इसकी मदद से आप ऑडियो फाइल को ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों अलग फाइल में सेव होंगी। आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटो स्टॉप का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग कुछ देर बाद ऑटो स्टॉप हो जाए, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पर आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, या फिर आप इसका टोटल ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि 40 मिनट्स के बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, 45 मिनट्स के बाद, या फिर फाइल साइज को चूज कर सकते हैं कि जब आपकी फाइल 500 MB की हो जाए तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए। इसके अलावा रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड का ऑप्शन मौजूद है। जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो ये सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करे, या फिर ये एग्जिट हो जाए, आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाए, या फिर शट डाउन हो जाए। आप यहां से इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद टास्क शेड्यूलर का ऑप्शन भी मौजूद है। आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक टास्क भी सेट कर सकते हैं कि इस दिन, इस टाइम, इस डेट को ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। आप यहां पर टास्क नेम लिख दें। उसके बाद आप इसको अगर डेली पे सेट करना चाहते हैं या फिर वीकली पे, वो भी सेट कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम सेट कर सकते हैं कि किस टाइम में आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। और उसके नीचे एंड टास्क है कि कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाए, लाइक 40 मिनट्स 50 मिनट्स, उसको भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग एरिया चूज़ कर सकते हैं, लाइक फुल स्क्रीन, ऑडियो इनपुट, वेबकैम, रिकॉर्डिंग कंप्लीटेड एंड लॉन्च एट स्टार्टअप के ऑप्शन मौजूद हैं। तो फाइनली कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें। 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन स्टार्ट होगा और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी वर्क करेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। और लोअर राइट साइड पर आपको एक छोटी सी बार दिखाई देगा, इसमें आपको टोटल रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन शो हो रहा है। आप इसको यहाँ से पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो जब आपका वर्क फिनिश हो जाए आप इसको यहां से स्टॉप कर सकते हैं। तो ये स्टॉप होकर इसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। आप यहां से इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर ट्रिम का ऑप्शन भी मौजूद है। यहां से आप अपनी वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट और एंड से ट्रिम कर सकते हैं। आपको जितना पार्ट चाहिए उसको सेलेक्ट कर लें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये वीडियो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। यहां से आप इसका फोल्डर भी ओपन करके देख सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर सेव है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग गेमिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।